आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। एनडीए पर झामुमो का पलटवार, विनोद पांडे बोले करोड़ों खर्च और विश्वासघात करने वाले लगा रहे हैं आरोप। चतरा में हथियार एवं विस्फोटकों के साथ दो सप्लायर गिरफ्तार, देसी पिस्टल कारतूस बम बरामद। 367 नए डॉक्टरों को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिए नियुक्ति पत्र। जेल में मारपीट करने वाले पीएलएफआई उग्रवादियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बाघमारा में कोल डंपिंग पर वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में मारपीट, पुलिस ने संभाला मोर्चा। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोधियों पर पलटवार किया है। प्रवक्ता विनोद पांडे ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि विश्वासघात करने वाले ही विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार की दिशा में कई काम किए हैं, किसानों की कर्ज माफी की सौगात भी दी है। ये तमाम चीजें पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल थीं। विनोद पांडे ने कहा कि जो नई योजनाएं शुरू की हैं उन्हें भी समय पर धरातल पर उतारा जाएगा। राज्य में झूठ, फरेब, धोखा और विश्वासघात करने वाले लोग सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। भाजपा और आजसू राज्य बनने के बाद से लंबे समय तक सरकार में रहे, वे अपनी नाकामियों और विफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। सैकड़ों करोड़ों रुपए उड़ाने वाले सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाते हैं। राज्य की जनता उनके झूठ को देख रही है। दोनों उपचुनाव में जनता ने उनके झूठ का जवाब दे दिया है। चतरा पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। बुधवार को पुलिस ने विस्फोटक के साथ साथ अवैध हथियार भी बरामद किया है। इतना ही नहीं, हथियार सप्लाई करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। एसपी ऋषभ कुमार झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हंटरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस को यह सफलता मिली है। हथियार सप्लाई करने वालों में 10 केन बम, 7.65 mm का एक देसी पिस्टल, दो कारतूस, लोडेड मैगजीन, 3 मोबाइल एवं 1 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। केन बम सुतली से लिपटा हुआ है और हाई एक्सप्लोसिव है। विस्फोटक के साथ गिरफ्तार युवकों में एक हंटरगंज थाना क्षेत्र के खूंटी केवाल खुर्द गांव निवासी किशोरी भुइयां का पुत्र कुंदन कुमार तथा दूसरा गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र के अकौनी गांव निवासी स्वर्गीय काला चौधरी का पुत्र मनोज चौधरी है। हथियार और विस्फोटक हंटरगंज थाना से बिहार से गया जिले के शेरघाटी एवं इमामगंज थाना क्षेत्र में भेजे जाने वाला था। कुख्यात अपराधियों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये हथियार मंगवाए थे। इसी बीच एसपी को इसकी गुप्त सूचना मिली। एसपी ने एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया। छापेमारी दल में थाना प्रभारी सचिन कुमार दास एवं अन्य कनीय पुलिस अधिकारी एवं जवान शामिल थे। छापेमारी दल ने वाहनों की तलाश के लिए अभियान शुरू किया। इसी क्रम में ये हथियार तस्कर पकड़े गए। राज्य को 367 नए डॉक्टर मिल गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को नए डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमें से 323 मेडिकल ऑफिसर और 44 को स्पेशल मेडिकल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने उनके बेहतर भविष्य की कामना करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने का वचन लिया। बन्ना गुप्ता के अनुसार राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने का टारगेट बनाया है। स्वस्थ और समृद्ध झारखंड का सपना सीएम का है। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल स्टाफ की कमियों को दूर करने पर सरकार की नज़र है। नए डॉक्टरों के आने से इस समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। यह पहला चरण है, कई और चिकित्सकों को नियुक्त किया जाएगा। इसके जरिए राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी स्वास्थ्य सेवा बहाल की जा सकेगी। राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 367 चिकित्सा पदाधिकारी और विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। इनमें से 280 चिकित्सा पदाधिकारी जेपीएससी द्वारा अनुशंसित हैं। इन्हें स्थायी चिकित्सक के पद पर नियुक्त किया गया है। बाकी 87 चिकित्सकों का सिलेक्शन एनएचएम द्वारा हुआ है। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। राज्य में करीब 3 साल के बाद मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति हुई है। इन चिकित्सकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने का संकल्प लिया। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में गैंग बनाकर हमला करने के मामले में पीएलएफआई उग्रवादियों पर केस दर्ज कराया गया है। हमले में घायल छोटू खान के बयान पर खेलगांव थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
छोटू खान ने बताया है कि PLFI उग्रवादियों ने एक समूह बनाकर उस पर जानलेवा हमला किया, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। छोटू खान का आवेदन जेल प्रशासन के माध्यम से खेलगांव थाना भेजा गया था। इस मामले की पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि बीते रविवार को रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में PLFI उग्रवादियों ने हत्या के एक आरोपित की जमकर धुनाई कर दी। इस मारपीट में हत्या के आरोप में जेल में बंद गढ़ा टोली निवासी छोटू खान घायल हो गया है। उसे जेल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा सहित अपने प्रभावी इलाके में वर्चस्व खोने के बाद अब जेल में बंद PLFI उग्रवादी अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। वर्चस्व के लिए जेल में बंद अलग अलग कांड के आरोपितों से मारपीट कर रहे हैं। वर्चस्व के चक्कर में PLFI उग्रवादियों की दूसरे अपराधियों से अदावत चलने लगी है। रविवार को किसी बात को लेकर शुरू हुई बहस के बाद छोटू खान नाम के विचाराधीन कैदी से ग्रुप बनाकर मारपीट कर दी गई। इस मारपीट के दौरान पूरे जेल में अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि जेल प्रशासन ने सही समय पर मामले को नियंत्रित कर लिया। जेल में गैंग बनाकर इस तरह मारपीट करने के बाद जेल प्रशासन उग्रवादियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। जेल प्रशासन का कहना है कि मारपीट की घटना की जांच होगी। बाघमारा में कोल डंपिंग पर वर्चस्व कायम करने को लेकर टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन यहां ढुल्लू महतो और जलेश्वर महतो के समर्थकों के बीच टकराव हो रहे हैं। ताजा मामला बरोरा थाना अंतर्गत मुराई डीह कोल डंप का है, जहां लोकल सेल में कोयला उठाव को लेकर दोनों पक्षों में उत्पन्न विवाद देखते देखते मारपीट में बदल गया। हालांकि प्रशासन की तत्परता के कारण यह झड़प बड़ा रूप नहीं ले सकी। इस दौरान एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के घर पर भी हमला करने की बात सामने आ रही है। इलाके में स्थिति पूरी तरह तनावपूर्ण है। घटना की सूचना पर बाघमारा DSP निशा मुर्मू सहित कई थानों के पुलिस ने पहुंचकर मामले को संभाला। बता दें कि इस कोल डंप में तनाव दो दिन पूर्व DO धारक कन्हाई चौहान के ट्रक में लोडिंग के दौरान ही शुरू हुआ था। इसकी सूचना पर प्रशासन यहां मुस्तैद थी। कन्हाई चौहान कथित तौर पर पूर्व में विधायक ढुल्लू महतो गुट में थे। पिछले दिनों वह पाला बदलकर ढुल्लू के विरोधी सिंडिकेट में चले गए। बताया जा रहा है कि इस खेमेबाजी के कारण ही मुराईडीह कोलडंप में विवाद हो रहा है। इधर DSP निशा मुर्मू ने बताया कि मारपीट की सूचना है, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। DO उठाव को लेकर तनाव है, जिसकी जाँच हो रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आज़ाद सिपाही।